हेलो गाइस, कैसे हो? सो उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया रहेंगे। मैं आपका प्रतीक गाजियाबादी भाई लेके आ चुका हूं जिमनी पे एक डिटेल्ड रिव्यू। इसमें बात करेंगे भाई कि क्या क्या फीचर्स अपने आ चुके हैं जिमनी में। और ये भाई अपना जिप्सी का भाई अपना एक सेकंड वर्जन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जिप्सी के बाद भाई अपनी एक अपनी गाड़ी आ गई है जिमनी, जो कि कम्पीट करेगी भाई अपने थार से। तो भाई एक बार पहले इसका ओवरव्यू लुक आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सिनेमेटिक्स तुमने एंजॉय कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो भाई एक बार इसको आपको एक बार लेकर चलते भाई अपने फ्रंट पे, फिर बात करते हैं भाई फ्रंट में हमने क्या क्या लुक्स इसमें दिए गए हैं। पहले बात करें भाई अगर इसके हम फ्रंट लुक की, भाई फ्रंट में भाई आपको क्रोम ग्रिल आपको देखने को मिल गई होगी। यहाँ आपको क्रोम ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको गन मेटल उसमें फिनिश में आपको देखने को मिले डार्क ग्रे में, ठीक है। सामने अगर हम बात करें भाई इसकी जो लुक है ना, इससे भाई आपको अपने हमर्स की ग्रिल्स वगैरह देखने को मिलती थी, वैसे आपको इसमें अपने प्रॉपर एकदम ग्रिल आपको देखने को मिल रही है। बात करें हम अगर इसके इंडिकेटर की, भाई अपने पूरे इसके अंदर राउंड फिनिश में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भाई आपको अपना LED प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, जिसके वाइट LED की रोशनी अपनी रहेगी। ये भाई अपने पूरा राउंड में है, ओके। और अगर हम इसकी बात करके DRLs वगैरह की, तो भाई अपने DRLs वगैरह ये वाले रहेंगी और डे लाइट में हमने चलते रहेंगे। सबसे जो मेन जो इसमें जो आपको फीचर है ना, मेन फीचर आपको देखने में क्या दिख रहा होगा इसमें कि भाई लाइट प्रोजेक्टर अपने प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दे दिए भाई, नहीं। इसमें जो सबसे जो मेन फीचर है वो उसका दिया गया भाई हेडलाइट वॉशर। इसके बजट में भाई इस टाइम पे अभी कोई भी गाड़ी हेडलाइट वॉशर आपको नहीं दे रही है, जो कि आपको अपने सुजुकी अपनी ऑफर आपको कर रही है। ये भाई आपका हार्ड प्लास्टिक मटेरियल में आपको ये आपको सामने बम्पर्स का देखने को मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस आपके नीचे आपको मेंशनड होगी। यहाँ आपको मिल जाता है भाई अपना फॉग लैम्प। और इसके जो भाई जो प्रोजेक्टर्स और हेडलैम्प्स की जो रिस्पांस है, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक जो भी वीडियोस वगैरह देखी हैं इनके जो फ़ोन की जो वीडियोस थी, उसमें भाई हेडलाइट का रिस्पांस एकदम ठीक था। अगर हम इसे देखें तो भाई फॉग लैम्प की जो प्लेसमेंट है, हेडलाइट की जो प्लेसमेंट है, वो एकदम ठीक है। अगर हम बात करें भाई इसके कलर की, तो भाई अपना नियॉन कलर होगा, जिसके अंदर भाई चटक के भाई अपना पूरा एकदम कलर आ रहा है। नॉर्मली भाई ये फैमिली वाला तो कलर नहीं है, लड़कों वाला अपना पूरा कलर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके अगर हम साइड प्रोफाइल की, तो भाई कुछ इतनी अपनी लेंथ देखने को मिल जाते हैं। ये भी आपके नीचे लिखी हुई मेंशन हो रखी होगी, जो भी इसके भाई अपनी हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस से लेंथ है, वो आपको एक बार देखने को साइड में मिल जाएगी। अब बात करें भाई अगर हम इसके टायर्स की, तो भाई इसके अंदर जो अपनी जो प्रोफाइल आ रही है भाई अपने टायर्स की, वो आ रही है भाई अपनी R15, ओके। वो भी आपको पूरा रिटर्न में आपको देखने को मिल जाएगा। भाई 15 इंचेस जो टायर्स हैं, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़े से छोटे हैं। पर हाँ, एलॉयज वगैरह की अगर हम बात करें, तो एलॉयज का लुक जो है पूरा ऑफ रोडिंग वाला है। ऑफ रोडिंग एलॉयज इसके अंदर अपनी कंपनी से ही प्रोवाइड होते हुए आते हैं। बात करें अगर हम इसके साइड प्रोफाइल में, तो भाई ये जो इसके इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो इन्होंने साइड मिरर्स जो इसके दिए हैं, ये काफ़ी भाई एक रौनक इसमें ला रहे हैं, काफ़ी एक अच्छा टच इसमें दे रहे हैं। अगर हम देखो साइड से, अगर आप इसको चेक करो, बढ़िया लुक आ रही है, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है ये अपने डुअल टोन कलर में आ जाती है। ऊपर भी आपको सेम पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, नीचे आपको नियॉन मिल जाता है। यहाँ बात करें तो भाई अपने कुछ इतनी ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल रही है, जो कि अपनी ऑफ रोडिंग के हिसाब से काफ़ी सही है, ठीक है। साइड के अगर हम प्रोफाइल की बात करें, तो भाई अपनी पूरी एक ऑफ रोडिंग व्हीकल ही है ये। नॉर्मल सिटी राइड्स में भी वैसे यूज़ कर सकते हो, पर मेनली अगर आपको कहीं ऑफ रोडिंग में जाना है, ट्रायल ऑफ वगैरह में जाना है, तो वहाँ आपको ये बढ़िया केपेबल गाड़ी मिल जाती है, ठीक है। अब बात करें अगर हम इसके रेयर प्रोफाइल की, रेयर प्रोफाइल में भाई अपनी कुछ ऐसी गाड़ी देखने को मिल रही है, जो आपको जो रेयर व्हील जो कैप है उसके अंदर भी भाई अपने यहाँ सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये भी भाई अपना पियानो ब्लैक फिनिश में है। जो रेयर जो टेल लाइट्स हैं भाई, वो आपको यहाँ मिल रही हैं। रेयर टेल लाइट्स यार कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि थोड़ी इन्होंने नीचे प्लेसमेंट दे दी है, कहीं ना कहीं अगर इसको ऊपर देते तो बेटर रहता, क्योंकि भाई अगर कहीं नीचे टिकती है, उसके लिए इन्होंने हार्ड प्लास्टिक तो काफ़ी सही दिया है, क्वालिटी भाई इसकी ठीक है। पर हाँ, अगर ये थोड़ा इसको ऊपर देते तो लुक वाइज में थोड़ी बेटर परफॉर्म कर सकती थी। बाकी लुक वाइज तो देखें, काफ़ी बॉक्सी लुक है, अच्छी है। ऑल ग्रिप टेरेन की आपको यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको भाई क्यूट सी जिमनी की बैजिंग भी मिल गई है। यहाँ आपको चार अपने सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स 1, 2, 3 और यहाँ 4, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि इसकी जो डिक्की है वो कैसे खुलती होगी, वो भी एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। कुछ भाई अपनी जो बूट है वो अपनी ऐसे खुल जाती है। मैंने छोड़ दिया भाई, अपनी हाइड्रोलिक है, इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक आपको देखने को मिल जाता है। हाइड्रोलिक आपको देखने को मिल गया है, तो भाई आपकी बूट स्पेस की बात करें, भाई देखो तो जो बूट स्पेस है ना,
ये तो कुछ अपनी नॉर्मल अपनी इतने मिल जाती, थार से कहीं ना कहीं ज़्यादा है। आपको रिटर्न में आपको नीचे देखने को मिल गई होगी कितनी अपनी बूट स्पेस है। यहाँ आपको भाई अपने चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाते हैं 120 वाले। यहाँ भाई आपको अपने लाइट्स मिल गई हैं जो कि आप अपना ऑन ऑफ यहाँ से अपने कर सकते हो। साथ ही साथ भाई आपको यहाँ तो अपना कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ बात करें भाई आपको ट्रेपास वगैरह देखने को मिलती है, तो शायद इसमें आपको ये रबर क्वालिटी की है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल अपनी कवरेज हो गई, ज़्यादा हम नहीं खोलेंगे, ये शायद एसेसरीज का पार्ट होगा क्योंकि ये काफ़ी रबराइज है, ठीक है। यहाँ भाई आपको यहाँ से आप अपना इसको अपना आगे पीछे कर सकते हो, 60-40 के आपको स्प्लिट्स देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। और ये भी आपके सेम है 60-40। यहाँ से अगर आप देखो तो भाई कंफर्टेबली चार लोग अपना आराम से इसमें अपने बैठ सकते हैं, ठीक है। अब बात करो भाई अगर आप इसके बूट की, तो भाई जो क्वालिटी है वो तो इन्होंने अच्छी कर दी है। आवाज़ आप एकदम समझ ही गए होगे, अच्छी आवाज़ है काफ़ी, हाँ। पर कहीं अगर आपकी नॉर्मल गाड़ी पार्क हो रखी है, आपको अपना खोलना है बूट, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत दे सकता है। इसके अंदर भाई आपको ये देखो हैवी तो है, हाइड्रोलिक वजह से हैवी तो है, ठीक है। बंद कर देते हैं। अब बात करें भाई अगर हम इसके वैसे रेयर प्रोफाइल की, तो भाई इसके अंदर आपको जो स्पेशल जो इसके अंदर चीज़ मिल गई है, यहाँ आपको रेयर वाइपर भी आपको देखने को मिल रहा है छोटू सा, जो कि भाई आपका पूरा आपका इसमें अपना कवर कर लेगा। जब आप पीछे देखोगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेम इसके अंदर आपको 15 इंचेस का टायर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें अगर हम इसके ड्राइविंग सीट पर चल के, तो एक आपको दिखा देता हूँ। जब तक कस्टमर्स अपने चेक कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो इसके जो टायर्स है फ्रंट में आपको अपनी डिस्क देखने को मिल जाती है, ठीक है। रेयर आपका सेम एज अ ड्रम होगा। इसकी जो लुक देने को कोशिश की गई है ना, वो ये भाई आपका ओल्ड स्कूल देखने को कोशिश की गई है। आप सोच रहे हो कि भाई इसके अंदर सामने क्रोम ग्रिल्स हैं, ये है वो है, तो भाई इसकी लुक आपकी ओल्ड स्कूल कैसे हो गई। अभी जब आप इंटीरियर में बैठोगे ना, इंटीरियर आपको जो मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा ये ओल्ड स्कूल मैं आपको किस हिसाब से कह रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो भाई इसके जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जैसे आजकल के टाइम में यहाँ देखने को मिल जाते हैं, वो उसमें दिए गए हैं यहाँ पे। तो एक बार कस्टमर में फ्री हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको कि आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाता है। बात करें भाई अगर हम इंटीरियर की, तो भाई हार्ड प्लास्टिक क्वालिटी में आपको यहाँ आपको डोर देखने को मिल रहा है। यहाँ भाई अपने कुछ ऐसी इसमें अपने को ग्रिप देखने को मिल जाती है। यहाँ भाई आपको ऐसे हार्ड प्लास्टिक में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ कुछ अपनी ऐसी ग्रिप देखने को मिल जाती है। बॉटल होल्डर इसमें आपको देखने को नहीं मिलने वाला भाई, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। यहाँ पर आपको अपने स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें भाई अगर हम अंदर बैठ के, तो 6 फीट हाइट काफ़ी कंफर्टेबल है अंदर बैठना। यहाँ जैसे मैं बात कर रहा भाई इसकी थोड़ी ओल्ड स्कूल लुक है, ओल्ड स्कूल के हिसाब से भाई जो इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है अपना एनालॉग में, ठीक है, जैसे आपका जिप्सी का आया करता था। इसके अंदर यहाँ पे MID देखने को मिल जाती है। स्टेयरिंग व्हील की भाई कुछ अपनी लुक ऐसी है। यहाँ पे भाई इसके कुछ फंक्शंस वगैरह दे रखे हैं, बैटरी एंड ऑल, वाइपर्स एंड ऑल का, रेयर वाइपर, और यहाँ आपका इंडिकेटर्स एंड ऑल का। कुछ अपने AC वेंट्स भाई अपने ऐसे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और बात करें भाई अगर हम इसका डैशबोर्ड की फिनिशिंग भाई अपनी हार्ड प्लास्टिक सेम, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, तो भाई यहाँ पे आपको ऐसी अपनी सुजुकी की तरफ से अपनी स्क्रीन देखने को मिल रही है। यहाँ मिल जाता है भाई आपको वेंट, AC वेंट्स कंट्रोल। यहाँ भाई आपको फ्रंट रेयर का बटन, यहाँ पे आपको जैसे सुजुकी के अंदर दिखाते हैं, सुजुकी के अंदर भाई अपनी जो स्विफ्ट आती है उसके अंदर भी भाई जैसे सेम सिस्टम मिलता है, वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डुअल कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाएगा, ओके। यहाँ भाई आपको ऑटोमेटिक शट विंडोज़ का है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, विंडोज़ अप एंड डाउन, ठीक है। और जो आपको इधर मिलेगा भाई आपको ये मिलेगा ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट लॉक वगैरह का। यहाँ मिल जाएगा भाई आपको 4x4 का जो ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे अपना ओल्ड स्कूल जिप्सी में आया करते थे, यहाँ पे भाई आपको मिल जाएगी विंडोज़ रेयर पैसेंजर्स वगैरह के लिए, ठीक है। अब बात करें भाई अगर हम इसके ग्लव बॉक्स की, ग्लव बॉक्स भाई अपना कुछ ऐसा देखने को इसके अंदर मिल जाता है जो कि काफ़ी इनफ है। तो भाई जो इसका जो रेयर व्यू इसका अपना ORVM वगैरह है भाई, वो तो आपको ऑटोमेटिक ही नहीं है, इसके अंदर भाई आपका मैनुअल ही है जो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा भाई यहाँ पे अपना, सही है। यहाँ भी भाई आपको मिल जाता है मिरर, पर इसमें भी आपको यहाँ लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती। बात करें अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की, भाई बिल्ड क्वालिटी भाई सही है। हैवी मटेरियल इस बार दिया भाई, जैसा आपको ब्रेजर वगैरह में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट ऑफ का बटन मिल गया, और BS6 का जैसा आपको आजकल हर उस गाड़ी में मिल रहा है, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, डिमिंग लाइट एंड ऑल, ठीक है। तो भाई ये तो हो गए भाई आपके कुछ अपने फ्रंट लुक। अब एक बार चलते हैं भाई आपके पीछे, फिर देखते हैं भाई कैसे कुछ अपनी इसमें स्पेस देखने को मिल जाती है।
बात करते हैं भाई इसके एक बार रेयर स्पेस की। रेयर स्पेस अपने भाई कुछ अपने ऐसे देखने को मिल जाती है। सीट्स की जो भाई फोमिंग है, कंफर्ट है भाई वो तो अच्छा है। आपको हेडरेस्ट मिल जाएगा मेनली। ये अपने भाई अपने फोर सीटर में है, पर फोर सीटर में भाई ये काफ़ी गाड़ी कंफर्टेबल है। जैसे अगर ये टक्कर कर रही है अपने थार को, थार इसमें फोर कंफर्टेबल तो उसमें आराम से नहीं बैठ सकते, दो ही उसके अंदर बैठ सकते हैं। इसके अंदर आपको अपनी बूट स्पेस भी अपनी अच्छी खासी मिल जाती है, चार लोग भी आराम से अपने बैठ जाते हैं। एक बार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ भाई। जैसे मेरी आपको पता है भाई 6 फीट हाइट है, 6 फीट के हिसाब से भाई जो हेड रूम है भाई वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसे बैठा हूँ, सीट अभी अपने एकदम पीछे हो रखी है। अगर ये अपनी थोड़ी सी आगे हो जाए, चलो अगर मैं इधर भी बैठूँ तो इधर बैठने में भी भाई लेग रूम अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। यहाँ बात करें सही है, कोई दिक्कत नहीं यार मेरे हिसाब से। गाड़ी तो बढ़िया है, सुजुकी ने इस बार भाई अपने गाड़ी पर अच्छा काम किया है। थार जैसी गाड़ी को भाई ये कहीं ना कहीं बहुत ही आराम से बीट कर सकती है, पर हाँ इंजन में उससे थोड़ी छोटी है, पर जो कंफर्ट है वो भाई बहुत ही बढ़िया है। कंफर्ट का बोल रहे हो कैसे? लो भाई ये इसका सस्पेंशन देख रहे हो, ये भाई ये गाड़ी ना यूं यूं आराम से झूल जाती है। अब आप सोचोगे इसके अंदर बॉडी रोल है, भाई बॉडी रोल वाली बात ही नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि कहीं जब गड्ढे में वगैरह में अपनी गाड़ी जाएगी, जब गड्ढे में जाती है अपनी क्या दिक्कत आती है, वो कटक करके बोलती है सस्पेंशन, एक टाइम पे वो कटक करके बोलता है, गाड़ी में आवाज़ आती है ना, वो चीज़ भाई इसमें नहीं मिलने वाली। जो ये झूल रही है ना, ये भाई बहुत ही बढ़िया है। सबसे बढ़िया इसका दिया गया है इसके मैं बोनट की भाई जो लेंथ है, जो आपको व्यू है वो आपको एकदम पूरा मिल रहा है। रेयर अपने लुक भाई अपने कुछ ऐसी इसमें देखने को मिल जाती है। लो भाई तुम्हारे लिए भाई लाइट भी अपने मंगवा दी, लाइट भाई अपने आ गई। और यहाँ पे भाई ये हम्प है थोड़ा, और यहाँ से आपको भाई अपने दो कप होल्डर मिल जाते हैं, 60-40 के अपने इसमें स्प्लिट है। ओके, यहाँ भाई आपको अपनी लाइट देखने को मिल गई। तो मेनली भाई जो गाड़ी है ये आपकी फोर सीटर है, करेक्ट, ये गाड़ी आपकी फोर सीटर है। हाँ, पांच लोग अगर अपने बच्चे एक बार बीच में बैठाना है तो वो आप बैठा लो, वो कोई बात नहीं है। पर अगर आप कहने में अगर आप इसको बोलो 5 सीटर तो वो 5 सीटर तो नहीं है, पर गाड़ी में 4 सीटर के हिसाब से भाई कम्फर्ट बहुत ही प्यारा है। तो चलो एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ वापस से इसका बाहर से लुक, जो तुम्हें मैं कह रहा था ना गाड़ी में जो झूलने वाली जो चीज़ है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये है भाई सुजुकी के अपने सस्पेंशन, जिसमें भाई गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। प्राइस लिस्ट एक बार मैं आपको बता दूंगा एक शोरूम अभी क्या है, अभी तो गाड़ी अपने लॉन्च ही हुई है, धमाका ये पूरी मार्केट में मचाने वाली है। 15 इंच टायर के साथ भाई देखो स्पेस कितनी है, ये दो हाथ डेढ़ हाथ तो अपने भाई आराम से ऐसे में आ जाएंगे, बहुत ही सही है। क्योंकि जब गाड़ी जूम में आएगी, झूलेगी पहाड़ियों पे, ऑफ रोडिंग में, मज़ा तो भाई आपको पूरा आएगा, है ना। और इसके अंदर भाई आपको यहाँ एंटीना देखने को मिल रहा है, ये रहा। वापस से आपको एक बार मैं इसकी बूट दिखा देता हूँ, कई क्योंकि अंधेरा था, नहीं दिखी हो किसी को क्लियरली, तो भाई अपने कुछ ऐसे इसमें बूट देखने को मिल रही है। ठीक है, नीचे आपको मेंशन मिल गया होगा भाई अपनी कितने कुछ अपनी इसमें स्पेस है, जो कि गाड़ी में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त गाड़ी है। तो सुजुकी वेल डन, आपने इस बार भाई अपना अच्छा काम किया है, बिल्ड क्वालिटी में भी, और जो थार का जो रोला था वो कहीं ना कहीं भाई बीट कर सकती है गाड़ी, क्योंकि लंबाई में भी अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस में भी अच्छी है, कंफर्ट है, रिफाइनमेंट आपकी सुजुकी के इंजन की हमेशा मिलती ही मिलती है, फीचर्स भी आपको दे दिए। लुक में भाई अपनी आ गई सामने से ऐसी गाड़ी, तो क्या ही लोगे, लेजिट लुक है, बढ़िया गाड़ी, बाय करो इसको प्रॉपरली, थैंक यू। तो बस वीडियो एंड करते हैं यहीं पे, अभी हम खड़े भाई MG रोड नेक्सा आउटलेट पे, और लोकेशन आपको यहाँ की मिल जाएगी, जिसको भी भाई आना हो, यहाँ सर्ज वगैरह हैं, आप आओ बाय करो। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।